दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। बात करते हैं आज अपने इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में। तो जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, उनके हिंदी जो उनका विषय है इस सेकंड सेमेस्टर में, उसके तहत आप हिंदी में देखेंगे जो है, आपको ये जो है प्रकरण देखने को मिलेगा। संज्ञा है, सर्वनाम है, उसमें जो है अगर बात की जाए जो है अदर टॉपिक्स की, तो उसको जो है हम बाद में बात करेंगे, जो भी रेस्ट उनमें ग्रामर में बचते हैं। फिलहाल संज्ञा के बारे में कल हमने बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो है, आप वहां से जा करके वीडियो देख सकते हैं। और यहां पर भी आई बटन में आपको भी लिंक मिल जाएगी, यहां से भी आप जो है संज्ञा के बारे में जान सकते हैं कि कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के, और एग्जाम्पल सहित किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं उसके बारे में भी मैंने बताया है उसमें। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। अब सर्वनाम क्या होता है आपका, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा सर्वनाम, लेकिन एक किस तरीके से आप लिखेंगे, द वे ऑफ राइटिंग, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो है इस जो है आप नोट्स से आप समझ सकते हैं। और अगर आप फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, तो भी आप जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की हिंदी की, तो आप कुछ फाइल भी इसी तरीके से कलरफुल करके तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सर्वनाम। इसमें लिखा है परिभाषा में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। सभी को अच्छी तरीके से पता है नाउन की जगह पर जो आपके वर्ड्स यूज होते हैं वही होते हैं आपके प्रोनाउन, इंग्लिश की अगर बात की जाए तो। रीजन ये है कि अब यहां पे कारण क्या है सर्वनाम को प्रयोग करने का, तो दूसरी लाइन में आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है यहां पे कि संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति दोहराओ, उसका बार बार आना संज्ञा का, उसको जो है दूर करने के लिए ही सर्वनाम का जो है प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे, यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से जो है संज्ञा के बार बार की पुनरुक्ति को रोका गया और सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य को जो है एक जो है सरल और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। उदाहरण में यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि कल मितेश आया और मितेश ने कहा कि मितेश दो चार दिनों में कलकत्ता जाएगा। अब क्या है यहां पर देखिए, जो ब्लू पेन से लिखा है कि इस वाक्य में जो मितेश है संज्ञा, यहां पर क्या है जो मितेश है वो संज्ञा है, तीन बार प्रयुक्त हुआ है, जिससे वाक्य की सुंदरता जो है वो नष्ट हो रही है। इसी वाक्य को हम इस तरह से लिखें तो वह सुंदर और सरल हो जाएगा। कैसे लिखें उसके बारे में देख लेते हैं। लिखा हुआ है कल मितेश आया और उसने कहा कि मैं दो चार दिनों में कलकत्ता जाऊंगा। अब देखिए इस वाले शब्द को देखिए, वाक्य को देखिए आप, और इस वाले वाक्य को देखिए, शब्दों के समूह को आप यहां पर देखिए, उनमे जो है शब्दों के समूह को जो है आप कंपेयर करिए, देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में और ये जो है आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में। तो अब जो हमने ये जो सेकंड जो दूसरा जो वाक्य लिखा है इसमें बात कर लेते हैं, यहां पर दूसरे और तीसरे मितेश की जगह उसमें और मैं का प्रयोग हुआ है। देखिए यहां पर मितेश था तो मैंने उसमें लिखा, यहां पर मितेश था तो मैंने मैं लिखा, मैं का प्रयोग हुआ है। ये सर्वनाम के ही उदाहरण है, किसके उदाहरण है आपके सर्वनाम या प्रनाउन के उदाहरण है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसमें कि हिंदी में निम्नलिखित सर्वनाम जो है देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने बोला हम, मैं है, तुम है, तू कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको जो है, वह है, यह है, आप, कौन, कोई, जो, सो, क्या, कुछ, ये सारे जो है प्रोनाउंस आपको देखने को मिलेंगे हिंदी भाषा में, सारे सर्वनाम है जो है। सर्वनाम के भेद के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो सर्वनाम के मुख्यतः छह भेद देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो भेद हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जो सर्वनाम के देखने को मिलते हैं। फाइल एग्जैक्टली आप ऐसे ही तैयार कर सकते हैं जो है, अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन, एक सुंदर सी लिखावट में जो है आप, जिससे कि स्पष्ट लेजिबल हो, आप पढ़ सके जो है, ठीक है, मतलब सामने से कोई पढ़ सके उसको अच्छे से जो है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद। इसमें है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका दूसरा दिख रहा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और उसके बाद निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान रहे पुरुषवाचक में आप बात करते हैं उत्तम पुरुष जो फर्स्ट पर्सन की, और ये सेकंड है आपका, ये है थर्ड वाले में, ठीक है, यानी उत्तम, मध्यम और अन्य। यहां पर आप एक चीज देखिए, आप जब सर्वनाम के प्रकार को बता रहे होंगे और जब आप कुछ उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर सामने वाले को या एग्जामिनर को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको जो है उसमें मार्क्स देने में, क्योंकि इसमें देखिए यहां पर एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिए हैं कि उत्तम में ये आएगा, मध्यम में है, अन्य में आप, वह वह है, निश्चयवाचक में यह है, वह है, निश्चयवाचक में कोई है, कुछ है, प्रश्नवाचक में दे दिया क्या, कौन, संबंधवाचक में आपका जो, सो दे दिया, निजवाचक में आपका स्वयं है, खुद है, आप है।
तो ये इसमें एग्जांपल्स भी हो गया आपका और इकट्ठे आपने छह सर्वनाम के प्रकार भी बता दिए। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसमें जो है कि किसका मतलब क्या निकल के आता है और उदाहरण में क्या कुछ लिख सकते हैं आप। जो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए, परिभाषा की, तो इसमें लिखा है जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक हेतु अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। आपने अभी पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम, मध्यम और अन्य देखिए, आप ये उदाहरणों को जो है इनके माध्यम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आगे बात कर दे जो है कर लें निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह जाता है, यह खाना खा रहा है। देखिए यहां पर दृढ़ता पूर्वक, ठीक है, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में निश्चय पूर्वक ये कहा जा रहा है कि वह जाता है। ठीक है, उसको पता है कि वह जा रहा है, वह जाता है, तो उन्होंने बोला वह जाता है, वो खाना खा रहा है, तो बोलेंगे कि यह खाना खा रहा है। ठीक है, यहाँ पर निश्चयवाचक चीजें हैं, तो यह वह ये द्योतक है आपके जो है किसके निश्चयवाचक सर्वनाम के। अनिश्चयवाचक में देखते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका कहलाएगा। अनिश्चयवाचक में मैंने बोला जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, दो एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई आ रहा है, क्या बोला गया, कोई आ रहा है, मतलब ये नहीं पता है, ये निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो हमने कह दिया कोई आ रहा है। फिर लिखा मैंने मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ खाने को दे दो या मुझे कुछ खाने को चाहिए, ऐसे शब्द क्या है, कुछ चाहिए, मतलब आप कुछ भी दे दीजिए, आप उसमें जो है आप फल भी दे सकते हैं जो है, आप कोई जो है खाने की अदर चीज दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं आप कोई और चीज। ठीक है, तो यहां पर निश्चित नहीं है, यहां पर पक्का नहीं है कि मिल क्या रहा है खाने को, कौन आ रहा है ये पक्का नहीं है, ये जो है डिसाइडेड नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे प्रकार की बात कर लेते हैं, इसमें लिखा है आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बारे में दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, मैं आपका जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाने की पूर्ण कोशिश में हूं कि जितनी जल्दी हो सके आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझको अभी जो है 2015, 16, 17 इनके क्वेश्चन पेपर भी करवाने हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे कौन से आए थे, साथ में उनके सॉल्यूशन को भी लेकर के जो है बात करनी है, तो यहां पर जो है हम कोशिश करेंगे, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है अगर, तो मैं जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको लेकर के चलूंगा जो है कुछ टॉपिक्स को। फिलहाल व्याकरण वाली चीजें हैं तो ये तो आपको आनी ही आनी चाहिए, इनको तो मैं बता ही रहा हूं, साथ में जो है उसको लेकर के भी जो है हम बात करेंगे, तो आपका क्वेश्चन पेपर भी बताया जाएगा, आपके जो है जो सिलेबस की चीजें हैं उनको भी बताया जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ में, सब कुछ होगा, बस धैर्य रखिए जो है और प्रोत्साहित करते रहिए मुझको जो है वीडियोस पर कमेंट करके, वीडियोस को लाइक करके जो है, कमेंट तो कम से कम कर ही दिया करिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा। चलिए जो है, और बाकी रिजल्ट की रही बात, तो रिजल्ट तो एक दिन आना ही है आपके सामने, तो उसके लिए परेशान हो करके आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई को प्रभावित मत करिए। ठीक है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है जो है कि जो परीक्षा नियामक अधिकारी थी जो है सुखता सिंह जी, वो हटाई गई हैं जो है, उनकी जगह पर नए आए हैं जो है, तो किस तरीके से जो नए आए हैं वो भी चीजों को पूरी तरीके से परखेंगे, जांचेंगे, फिर ही रिजल्ट जो है वो जो है जारी करेंगे, रिजल्ट को जो है वो आउट करेंगे। तो रिजल्ट आपका सितंबर लास्ट तक प्रस्तावित है कि आने की जो है, उसमें पहले था कि आपका पहले आ जाता जो है मिड सितंबर तक, लेकिन थोड़ी अब इसमें लेट भी हो, थोड़ा लेट हो सकता है और जल्दी भी आ सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उसके चक्कर में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की आपकी पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो, उसको भी आप जो है सही तरीके से करते रहे, वरना जो है रिजल्ट कब आएगा और इनके चक्कर में और हाथ धर के बैठने से जो है आपकी पढ़ाई जो है उसमें बाधा पड़ सकती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसमें चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के समान क्या लिखा है कि स्थान पर आते हैं, सॉरी कि स्थान पर तो आते ही हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। जैसे वह क्या खाता है, वहां कौन जाएगा, यहां पर देखिए जहां क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में है कि परस्पर एक दूसरे की बात का संबंध, दूसरे की बात का संबंध बतलाने वाले ऐसे सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे बोला कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा, ऐसे वाली बात जो होती है वो संबंधवाचक सर्वनाम को बताती है। अंतिम प्रकार का जो सर्वनाम आपका है वो है निजवाचक सर्वनाम। यहां लिखा है जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का जो है प्रयोग हो वहां पर निजवाचक सर्वनाम देखने को मिलता है।
यहाँ पर उदाहरण में लिखा हुआ है कि तुम अपना मन लगाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं आप ही चला जाऊंगा। ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो निजवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। दोस्तों ये थे जो है, ये था आपको जो है सर्वनाम, सर्वनाम के जो प्रकार। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो है कोई भी सुझाव है तो स्वागत है आपका, जो है आप कमेंट में बता सकते हैं। जो भी नए मित्र हैं हमारे चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, रेड बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल न भूलें। ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। जल्दी मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।